दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच आज शुरू होने वाला है। भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पे है और ये दौरा अब अंतिम दौर पे आ चुका है। जहाँ फ्रेंड्स पहले T20 की सीरीज हुई थी, वहीं उसके बाद में वनडे सीरीज हुआ था और वनडे सीरीज बाद की टीम ने शानदार तरीके से अपने नाम किया था। जहाँ फ्रेंड्स से बात की जाए तो अब टेस्ट मैच भी शुरू हो चुका। पहला टेस्ट मैच 26 तारीख से लेकर के 30 दिसंबर के बीच में पहला टेस्ट सेंचुरियन में दोपहर 1:30 से शुरू होने वाला है। इसी के बीच बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 में कर दिया है बड़ा बदलाव। जहाँ फ्रेंड्स इन घातक खिलाड़ियों की हुई वापसी, जहाँ फ्रेंड्स ये खिलाड़ी हो गए हैं साउथ अफ्रीका के दौरे से टेस्ट सीरीज के सीरीज से बाहर। जहाँ फ्रेंड्स बात करेंगे पूरे प्लेइंग 11 की, किनको जगह दी गई है। जहाँ फ्रेंड्स बात करने वाला तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करिए। जहाँ फ्रेंड्स पहला टेस्ट मैच आज 1:30 से शुरू होने वाला है। कुछ ही देर पहले टीम इंडिया के लिए प्लेइंग 11 की घोषणा हो चुकी है। जहाँ फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया के लिए प्लेइंग 11 चुनी है। उसी के बीच में रोहित शर्मा ने और एक बड़ी अपडेट दे दी है। जहाँ फ्रेंड्स दो स्पिनर्स को जगह दी गई है, साथ ही साथ शार्दुल ठाकुर इससे पहले टेस्ट मैच में शामिल नहीं है। जहाँ फ्रेंड्स 1:30 से शुरू होने वाले मैच में रोहित शर्मा ने अपने प्लेइंग 11 में इन खिलाड़ियों को मौका दिया है। जहां फ्रेंड्स रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन दोनों ही प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी उन दोनों को। साथ ही साथ तेज गेंदबाज कौन कौन आने वाले हैं टीम में, तो वो भी इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जहाँ फ्रेंड्स बात की जाए तो रोहित शर्मा कैप्टन, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, जी हाँ फ्रेंड्स विराट कोहली, श्रेयस अय्यर। जी हाँ फ्रेंड्स उससे पहले हम बात बता दें कि इस सीरीज से पहले भारतीय टीम को दो बड़े झटके भी लगे थे। जी हाँ फ्रेंड्स ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं और ईशान की जगह पे केएस भरत और ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पे अभिमन्यु ईश्वरन को टीम में जगह मिली है। जी हाँ फ्रेंड्स हेड टू हेड की भी बात करेंगे तो इसी बीच में केएल राहुल को यहाँ पर मौका दिया गया है जो केएस भरत की जगह पे। जहाँ फ्रेंड्स रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन, श्रेयस अय्यर, मुकेश कुमार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, जी हाँ फ्रेंड्स ये प्लेइंग 11 होने वाली है। और जी हाँ फ्रेंड्स हेड टू हेड की बात करें दोनों टीमों की, भारतीय टीम अब तक जो 31 साल से है जो कोई भी टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका में नहीं जीता है। और हेड टू हेड की बात करें ओवरऑल की तो टोटल 42 टेस्ट मैच हो चुके हैं दोनों टीमों के बीच में। वहीं भारत ने 15 मैच जीते हैं जबकि साउथ अफ्रीका ने 17 मैच जीते हैं, 10 मैच ड्रॉ भी रहे हैं। और इसके बीच में एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि भारत और साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड आमने सामने का देखा जाए साउथ अफ्रीका में तो कुल टोटल 23 टेस्ट मैच खेल चुके हैं जिसमें से साउथ अफ्रीका ने 12 मैच जीत दर्ज की जबकि केवल भारत को केवल 4 मैचों में ही जीत दर्ज हुई है और 7 मैच ड्रॉ हैं। तो ये ऐसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रोहित शर्मा की टीम आज किस तरह से प्रदर्शन करती है और साउथ अफ्रीका को पहले टेस्ट मैच में बैकफुट पे धकेलती है। देखने वाले तो आपको हेड टू हेड और सारी अपडेट पर प्लेइंग 11 की मिलने वाली है, साथ ही साथ आपको पल पल की अपडेट भी इस चैनल के थ्रू मिलेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स और पहला टेस्ट मैच 26 से 30 दिसंबर के बीच में, वहीं दूसरा टेस्ट मैच 3 से 7 जनवरी के बीच में खेला जाएगा जॉन्सबर्ग में। जी हाँ फ्रेंड्स पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन में आज शुरू होने वाले 26 से 30 दिसंबर के बीच में 1:30 पर। जी हाँ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।